मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ ब्लॉग पे, एंड 2 से 3 महीने का गैप फिर से हो गया क्योंकि टाइम नहीं लगा मुझे बिजी स्केड्यूल की वजह से, क्योंकि और नवी जगह पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो आज फाइनली मैं जा रहा हूँ धुले बाई रोड। ये हो गई मेरी पैकिंग रेडी, सामान रेडी है। डायरेक्टली फ्रॉम चंडीगढ़ टू धुले बाई रोड सोलो ट्रिप। गाड़ी की सफाई कर लें। लिया टाइम हो गया 6:27। मोबाइल को लगा देता हूँ स्टैंड पे। सामान ने यहाँ रख लिया, कुछ पीछे रख दिया। एक्सप्रेस वे में सिर्फ ये एक ही स्टॉप है स्नैक्स और फ्यूल फिलिंग के लिए। आलू प्याज पराठा ये सब नहीं आया कि अचार इतना क्यों दे दिया उन्होंने, कि सब्जी है नहीं अचार ही है। चलो देखते हैं, देखने में तो टेस्टी लग रहा है। अभी तक का मेरा तीसरा टूल टैक्स। पहला लगा था अम्बाले के, नहीं अम्बाले से तो बहुत पहले था 20 किलोमीटर। फिर लगा मुझे जब मैंने अम्बाले से टर्न लिया रोहतक की साइड, और एक ये यहाँ पे लग गया। Wow।
इतने स्मूथ और फ्लैट है ना, नॉट अ सिंगल ऐसे अनइवन वाला कोई केस ही नहीं है यहाँ पे, फ्लैट पूरा फ्लैट। एक्सप्रेसवे के ऊपर हूँ मैं, इतना खाली रोड और इतना क्लीन मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी गाड़ी अभी क्रूज कंट्रोल पर लगाई है मैंने, ये दिख रहा हूँ मैं क्रूज कंट्रोल पे 90 के आसपास की स्पीड है, 90 के ऊपर ये 100 के आसपास पकड़ लो। व्यू देखो आप, नज़ारे लो, लग ही रहा कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ी घर पे खड़ी है पार्किंग में, बस बैठा हूँ चिल कर रहा हूँ। इतना यार इतना अच्छा रोड मैंने लाइफ में देखा, इतना सही। हरियाणा गवर्नमेंट वेरी नाइस यार, देखो टाइम है 1:52 और अभी मैं हूँ जयपुर से थोड़ा पहले, जयपुर से मैंने बाईपास का रास्ता चूज़ किया था। तो अब ये देखो जयपुर, जयपुर ये देखो नज़ारे, कितना सही है पहाड़। राजस्थान में मैं पहली बार आया हूँ भाई रोड, इसके पहले कभी गया ही नहीं वैसे। अच्छा है वैसे, थोड़ी यहाँ गर्मी ज़्यादा फील हो रही है पंजाब से। ये देखो इतना नज़ारे देखो, हमने कवर कर लिया है 531 किलोमीटर और जगह का नाम पता नहीं, नाम नहीं पता। चलो अभी थोड़ी सुस्ती पड़ रही है तो ये अपने रेड बुल निकालते हैं, रेड बुल पियेंगे अभी।
रेडबुल पीने का मतलब ये नहीं अभी कि अननेसेसरी सब इसी को पीते रहें। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ये अलर्टनेस नींद नहीं आनी चाहिए और फोकस चाहिए, इसके वजह से मैं पी रहा हूँ। और ड्यूरिंग ड्राइविंग भले कार हो बाइक हो, हम ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं, बट मैंने सिर्फ मॉर्निंग में पी वो, क्योंकि अभी तो ब्लैक कॉफ़ी मैं कैसे बनाऊँगा पहली बात। दूसरा कैफीन, चलो उसमें भी है कैफीन, इसमें भी है, बट इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, तो थोड़ा सा बॉडी का एक फ्लूइड बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे या हम जब ट्रैवल करते हैं तो पानी का इंटेक कभी भी कितना भी कर लो कमी होता है, तो मेरा भी कमी होता है मुझे पता है, तो इसलिए मैं एक दो मैंने ये कैरी कर ली थी रेडबुल, और दो बैकअप में पड़ी है मेरे हेल, एक मैंने शायद मॉर्निंग में पी थी और एक अभी पी रहा हूँ मुझे। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको सही से इस्तेमाल करो। अभी रेडबुल है, कुछ और सोच के बनाई गई है, ठीक है, भले इसमें कैफीन जा रहा है बट कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या कहीं ना कहीं ये यूज़ कर सकते हैं इन मॉडरेट डोसेज। ओके, तो ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई टेंशन नहीं है अगर आपको कैफीन सेंसिटिव नहीं हो तो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है तो उसे दूर रहें, दूर मीन्स इंटेक सही रखें। जब मैं पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया मैंने, उसके बाद हरियाणा में एंटर हुआ, हरियाणा में मैंने 15 से 20 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वहाँ से जब मैंने राइट मारा तो जो रोहतक वाला हाईवे था एक्सप्रेसवे, इतना ब्यूटीफुल, इतना मतलब स्मूथ, मैंने वो पूरा हाईवे 250 किलोमीटर का हाईवे था वो मैंने क्रूज़ कंट्रोल पर चलाया। उसमें से एक मैंने ब्रेक लिया था जहाँ मैंने परौंठे खाए, नहीं तो पूरा मैंने हाईवे क्रूज़ कंट्रोल पर चलाया। आप इमेजिन करो कितना मतलब कितना अच्छा होगा वो। और 97 के आसपास की स्पीड थी मेरी, क्योंकि मुझे पहले मैंने 120-130 भी क्रॉस किया, पर मैंने बाद में देखा तो वहाँ पे 100 की स्पीड की लिमिट थी, तो मैंने फिर 97 पे स्पीड लॉक करके उसको कंटिन्यू चलने दिया। तो वो टाइम जो था ना, ऐसा लग रहा था कि गाड़ी बस एसी चालू है, मैं गाने सुन रहा हूँ, बस गाड़ी चल नहीं रही है, ऐसी फीलिंग थी। फुल चार्ज लगा लूँ यार, फ्रेंड्स। तो रात को तो मैं सो गया था, मैं कोटा क्रॉस करके एक होटल पे गाड़ी के अंदर ही, बढ़िया नींद आई। अभी का टाइम है 5:34, वापस निकलता हूँ। और रह गया है 550 या 500 किलोमीटर धुले को। खाना तो मैंने रात को कोटे के अंदर में गया था सिटी में, क्योंकि बाहर मुझे हाईवे पे कोई अच्छा होटल दिखा नहीं,
तो मैंने मेरे रूट के अंदर ही मैंने गूगल पे सर्च किया था कौन सा होटल अच्छा है, तो वहाँ मुझे मिला एक देश विदेश ऐसा कुछ था, तो वहाँ खाना सही में अच्छा था। उसके बाद मैं और 50 किलोमीटर आगे आया तो यहाँ मुझे एक होटल दिखी जहाँ पे पार्किंग अच्छी थी और सिक्योरिटी भी थी अच्छी, तो यहाँ मैं अभी सो लिया 11:30 से लेके 5:30, नींद होगी पूरी। नहीं आया देखो, गुड मॉर्निंग वाइफ्स। ये शायद वो स्पीड चेक करने वाले बैठे हैं, नहीं नेशनल हाईवे वाले। कितना सोना लग रहा है, वाह। शेरपुर साइड ही बहुत जा रहा है, उज्जैन इज 90 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। लो जी कितना मस्त लग रहे हैं विंड मिल्स। National Highway 552G for 18 kilometers. वाह क्या नजारा है। विंडमिल्स वेरी नाइस। तो भाई जीप देखी भाई, बहुत पुरानी जीप। देखो जी दे बड़े बड़े पक्खे। नेशनल हाईवे 552G फॉर 17 किलोमीटर्स। वो घूम रहा है मस्त गोल गोल। अच्छा है, व्यू भी अच्छा है। अरे आमा सो नजारे लो आप, देखो क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। National Highway 552G for 16 kilometers. Wow.
मैं देख के पैसा वसूल लिया। Highway 552G for 14 kilometers. Continue कर रहे हैं अबे बाबा। चल फिर तो लागे आगे समझ Thank you.
लेफ्ट साइड में इंदौर सिटी था, मैंने राइट लिया और ऊपर मेट्रो का ये काम चल रहा है और ये है कॉरिडोर रोड। अब मैं सीधा यहाँ से सेंधवा, शिरपुर एंड उसके बाद धुले। अच्छा लग रहा पड़िए। अभी आएगा सेंधवा बॉर्डर, सेंधवा बॉर्डर के बाद महाराष्ट्र। तो स्पेशली मैंने अपना एक्शन कैमरा इसलिए ऑन किया ये नज़ारा दिखाने के लिए। देखो एंजॉय करो कितने सोने सोने पहाड़ है। मुंबई 550 और जो ये रोड है ना ये मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं। जो सीमेंट वाले होते हैं कंक्रीट वाले रोड उसमें गाड़ी की ना टायर्स की साउंड बहुत ज़्यादा आती है, मुझे पसंद नहीं। ये है वो रबड़ के जो इससे बनते हैं रोड कोयल वाले ब्लैक, तो इसमें क्या है ग्रिप मिलती है टायरों को और जो साउंड है वो तो समझो 80% दब जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप प्लस साउंड और स्टेबिलिटी माइंड ब्लोइंग। ओह माय गॉड ये देखो कितना अच्छे पहाड़ है। बाइक वाला फोन नहीं छोड़ रहा लेकिन नदी शेरपुर की। तो यहाँ से मेरा घर है 43 किलोमीटर्स मतलब धुले, बाकी 5-6 अंदर 50 पकड़ लो। सो मस्त खा पी के एंजॉय करके रेस्ट करके आराम से पूरी जर्नी को मैंने एंजॉय किया। फाइनली धुले आ गए भाई। ये होटल का धुआं है, 6 महीने काफी होते वैसे, बहुत कुछ चेंज हो गया।
भी थे।